हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फाइनली आईपीएल 2023 को अपने चार क्वालिफायर मिल चुके हैं, जिसमें शायद एक तो बड़ी आसानी से मिला था जो गुजरात टाइटंस की टीम थी, बाकी तीन को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो या और खास करके बाद की दो टीमें जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स एक रन से अपना मैच जीत करके क्वालिफाई करी है और अगली टीम उसमें कहीं ना कहीं जो मुंबई इंडियंस है उन्होंने भी बहुत कमाल का गेम जीता है। अब इन चार में से कौन सी टीम ट्रॉफी की बड़ी और तगड़ी दावेदार नजर आ रही है उसकी बात करने वाले हैं और अपनी पिक मैं जरूर बताऊंगा वीडियो के एंड में। आप सब भी जरूर अपनी पिक बताइए और हम चारों टीमों की वन बाय वन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर बात करेंगे और फाइनल पिक फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप टीम की, जो टॉप टीम है गुजरात की टीम। गुजरात की टीम पिछले सीज़न भी बहुत कमाल की क्रिकेट खेली थी और इस सीज़न भी आप देखेंगे टेबल में टॉप पर भी रही है और ओवरऑल सबसे बैलेंस टीम नज़र आती है। अगर आप बैलेंस की बात करें तो इस टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, चाहे वो आप फास्ट बॉलर देखें तो चार चार बेहतरीन फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन इस टीम के पास, जिसमें मोहम्मद शमी के सर पर पर्पल कैप है। उनके साथ गेंदबाजी करने के लिए अगर आप देखें अभी यश दयाल कर रहे हैं, लेकिन जोशुआ लिटिल का ऑप्शन इनके पास है जिनको शायद ये टाइम आने पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मोहित शर्मा की गेंदबाजी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, अलजारी जोसफ का भी ऑप्शन इनके पास है। उसके बाद अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो राशिद खान भी बराबर से चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर के मोहम्मद शमी के साथ, क्योंकि दोनों के 24-24 विकेट हैं। एक टीम में दो गेंदबाज अगर पर्पल कैप की रेस आपस में लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस गेंदबाजी में धार कितनी होगी। बाकी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मोहित शर्मा ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है और वो भी उस लिस्ट में है। उसके अलावा भी गेंदबाज हैं जो कुछ बीच में मिस आउट कर गए थे, नूर ने जब से गेंदबाजी शुरू करी है इस टीम के लिए तो वो भी टॉप विकेट टेकर में रहे। सो ओवरऑल गेंदबाजी इससे बेहतर किसी की नहीं है। ऑलराउंड गेंदबाजी की बात अगर करी जाएगी तो इससे बेहतर किसी की गेंदबाजी नहीं है किसी भी टीम के पास। उसके बाद अगर बल्लेबाजी की बात आ जाए तो बल्लेबाजी में शुभमन गिल अकेले ही सब पे भारी पड़ रहे हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इस सीजन रन बनाए हैं। टॉप रन गेटर की रेस में भी हैं और फाफ डुप्लेसिस के बाद वो अभी दूसरे नंबर पर हैं, चूंकि उनकी टीम को अभी कम से कम दो मैचेस और खेलने हैं और हो सकता है कि इस बार ऑरेंज कैप शुभमन गिल के सर सजे। दूसरी चीज अगर बात करें रिद्धिमान साहा, कुछ कैमियोज खेले हैं, यूटिलिटी प्लेयर कहीं ना कहीं रहे, स्पेशली विकेट कीपिंग जो उनकी बहुत अंडररेटेड रहती है, विकेट के पीछे बहुत बार जो कुछ स्टंपिंग्स करते हैं, इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़ते हैं तो वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और उनका स्पेसिफिक रोल है कि शुभमन गिल एक एंड पर स्टेबिलिटी वाला काम करेंगे, दूसरे एंड पर आपको फ्लाइंग स्टार्ट कहीं ना कहीं दिलाना है, उसमें कभी वो सक्सेसफुल होते हैं कभी नहीं होते हैं। इस टीम में एक और खास बात है कि जिस भी किसी खिलाड़ी को लेकर के आते हैं वो सडनली इनके लिए परफॉर्म कर देता है, लेकिन कुछ दिक्कतें पिछले मैचेस में आई हैं जिसमें हार्दिक पांड्या की अगर आप फॉर्म देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं रही है। उसके अलावा राहुल तेवतिया बहुत ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला काफ़ी मैचेस से अगर देखेंगे। डेविड मिलर जो पिछले सीजन डेविड मिलर था उससे डिफरेंट डेविड मिलर नज़र आ रहा है, फिर भी इस टीम ने लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पर टोटल चेज करे हैं। उसके बाद दूसरी टीम की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। जब ये आईपीएल शुरू हो रहा था और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुजरात के खिलाफ भी हारती है और जहां तुषार देशपांडे को चार ओवर में 54 रन पड़ते हैं, उस वक्त ये रियलाइजेशन होती है कि इनकी डेथ गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। इस तेज गेंदबाजी में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है और स्पेशली रविंद्र जडेजा ने इस सीजन जिस तरह से गेंदबाजी इनके लिए करी है तो स्पिन डिपार्टमेंट में आपको वो डेप्थ दिखती है और बाय द टाइम जिस तरह से विकेट्स ड्राई होते गए गर्मी की वजह से तो मोइन अली भी प्ले में आते हैं, महेश तीक्ष्णा भी धीरे धीरे करके, उनको वक्त लगा लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने भी उस तिकड़ी को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया है। सो तीन अच्छे स्पिनर इनके पास और उसके बाद दीपक चहर की वापसी जो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज रहे हैं पिछले कुछ सीजन में, तुषार देशपांडे की ग्रोथ जो इस सीजन देखने को मिली है बहुत कमाल की रही है और अब ऐसा लग रहा है कि वो आपके हर सिचुएशन के गेंदबाज हैं, चाहे आप उनको नई गेंद कराएं चाहे पुरानी गेंद कराएं या डेथ में कराएं। और सबसे जो खास चीज़ इनके लिए रही है वो रही है पथिसा पथिराना, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में उनको मारना बहुत टेढ़ी कीर है, अब तक तो फिलहाल कोई मार नहीं पाया और नॉकआउट्स में देखना पड़ेगा प्रेशर गेम्स में क्या कोई उनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। सो चेन्नई की टीम जहां शुरू किया था तो बैटिंग डोमिनेटेड टीम नज़र आ रही थी, लेकिन अब शायद गेंदबाजी भी काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है कंसीडरिंग कि वो अपना पहला क्वालिफायर जो है वो चेन्नई में खेलेंगे। दूसरा उनकी बल्लेबाजी की भी अगर बात कर लें, शिवम दुबे ने जिस तरह से इस सीज़न परफॉर्म किया है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, बहुत इम्पैक्टफुल पारियां खेली हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं।
जो उनके मिडिल ऑर्डर में थोड़ा फायर पावर कई बार आपको कम लगती थी, जहां आप राइडू को देखते थे, जडेजा को देखते थे, या ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर आप डिवॉन कॉनबे को देखें, ऋतुराज को देखें, तो शायद उतने बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर नहीं है। ऋतुराज ने इस सीजन एक डिफरेंट चीज शुरू में करी थी कि बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फिर भी डिवॉन कॉनबे एक एवरेज स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आपने पिछले मैच में भी देखा, हालांकि वो बहुत कंसिस्टेंट रहे। सो ऑल एंड ऑल अगर समझे तो इस टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है इन बैटिंग। अजिंक्य रहाणे का इंक्लूजन इनके लिए बहुत अच्छा रहा है, उनका एक्सपीरियंस इसमें प्ले में आया है, और धीरे धीरे करके एमएस धोनी भी अब अपने आप को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो समझने लग गए हैं कि अब शायद जब इंपॉर्टेंट मैचेज आ रहे हैं तो उनकी जरूरत पड़ेगी, तो पिछले मैच में वो चार नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। सो बल्लेबाजी पे आई डोंट थिंक कभी इनकी क्वेश्चन मार्क था, द ओनली थिंग जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रही है वो रहे हैं शिवम दुबे, जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने रन बनाए, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बनाए और जो इम्पैक्ट छोड़ा है, तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, तो ये भी बड़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है। और कंपैरिजन अगर इनका आप जीटी के साथ करेंगे तो मुकाबला बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद अगली टीम की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, इस टीम में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन फिर भी जो पहले अच्छी चीज़ें वो मैं बताता हूँ। निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस की जोड़ी बहुत खतरनाक है, ऑन द गिवन डे ये किसी से भी मैच किसी भी सिचुएशन से छीन के ले जा सकते हैं, यही इनकी ताकत है। बाकी इस टीम में आप देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने परफॉर्मेंस ठीक ठाक करके आए थे, शुरू में कुछ मैचेज आपको काइल मेयर्स जिता के देके चले गए थे, जो कि अब इनकी 11 से चले गए बाहर। तो एट द टॉप ये शायद अभी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं क्विंटन डिकॉक के साथ कौन ओपन कर सकता है, दीपक हुड्डा के फेलियर ने भी इनको परेशान किया और साथ में प्रेरक मांकड़ को जो मैचेस मिले हैं तो अभी तक ओके किया है, लेकिन प्रेरक उस स्टेज पे आके उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे देंगे ये शायद एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं है। सो मेन जो डिपेंडेंसी इन बैटिंग है इस टीम की, वो आप शायद क्विंटन डिकॉक पर कह सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस पर कह सकते हैं और निकोलस पूरन पर। तीनों ही मैच विनर हैं, अगर इन तीनों में से दो चल जाते हैं तो इनकी गाड़ी पार निकाल के ले जाएंगे, बाकी तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इंडियन बैट्समैन से भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। बाकी रही इनकी गेंदबाजी की बात, गेंदबाजी में रवि बिश्नोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनके लिए गेंदबाजी करके दी है, कृष्णप्पा गौतम बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग की स्पेशली बात अगर इनकी की जाए, सो मोहसिन खान एक मैच मुंबई के खिलाफ उन्होंने जिताया जरूर था, लेकिन अभी भी वो उस रिदम में नहीं दिख रहे जो पिछले साल नज़र आ रहे थे, जिस पेस पर गेंदबाजी हो रही थी, जो वेरिएशंस उनसे देखने को मिल रहे थे, तो वो रिदम और पेस अभी भी कहीं ना कहीं मोहसिन खान की गेंदबाजी में मिसिंग है। बाकी यश ठाकुर ने गेंद बहुत अच्छा डाला है, उसके अलावा भी इनके पास ऑप्शंस हैं। नबीन उल हक को तो आई डोंट थिंक कि अब अगर स्लो विकेट नहीं है, टर्निंग ट्रैक नहीं है, गेंद फंसने वाला नहीं है तो उनको खिलाना चाहिए, तो इनको अभी फास्ट बॉलिंग में भी अपना कॉम्बिनेशन फाइनल करना है, तो स्टेबिलिटी थोड़ा सा एक फैक्टर है जो इसमें मिसिंग दिख रहा है। उसके बाद बच गई चौथी टीम मुंबई इंडियंस, और आई थिंक जो भी चार टीमें हैं उनमें अगर बैटिंग कंपैरिजन होगा, सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और लंबी बैटिंग किसी के पास है वो है मुंबई इंडियंस, क्योंकि अगर इनके बल्लेबाज अपने पोटेंशियल पर खेल जाते हैं तो ये कोई भी टोटल बना के दे सकते हैं और कोई भी टोटल चेज कर सकते हैं। आप ऊपर से देख लीजिए, ईशान किशन रो धो के भी 450 रन का सीजन उनका हो गया है, आप देखिए कि उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है लेकिन 450 रन का सीजन उनका हो गया है। रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी हो गई है, तीन नंबर पर कैमरून ग्रीन ने सेंचुरी बना दी है, वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। सो राइट टाइम पर बेसिकली इनके बल्लेबाज पीक करना शुरू किए हैं, जो रन्स नहीं बना रहे थे स्पेशली रोहित पे जिस तरह से ड्यू थे, तो वो रन्स अब कहीं ना कहीं आने लग गए हैं। सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ मैचेस से जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, नीचे आप टिम डेविड देखें, नेहल बडेरा देखें, तिलक वर्मा मिस आउट कर रहे हैं, सोचिए अगर वो भी होते तो कितना ज़बरदस्त ये बैटिंग ऑर्डर दिखता। सो बैटिंग की तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, ये अनडाउटली द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। अगर गेंदबाजी की बात जब करते हैं तो गुजरात की टीम के पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन मुंबई के पास बेस्ट बैटिंग लाइनअप है। इनके लिए उल्टा सवाल इनकी गेंदबाजी को लेकर के हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कहीं ना कहीं मिसिंग है। अभी ये दोबारा से वैरन ड्रॉप पर आ गए हैं, पहले राइली मेरेडिथ पर भी गए, साथ में इन्होंने क्रिस जॉर्डन को भी खिलाया, तो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये ट्राई आउट कर रहे हैं। बट इनके लिए अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक आधा बॉलर को लेकर के अब ये सर्टेन है, जैसे आकाश मडवाल की गेंदबाजी को लेकर के सर्टेन है, साथ में क्रिस जॉर्डन की गेंदबाजी को लेकर भी सर्टेन है, क्योंकि वो अब तो खेलेंगे ही खेलेंगे, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और पिछले कुछ मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। जेसन वेरनड्रॉप के साथ जी जाएंगे तो इनको कम से कम ये पता है कि इनके तीन फास्ट बॉलर कौन से हैं, साथ में पीयूष चावला ने जिस तरह से गेंद डाला है इस सीजन, तो वहाँ गेंदबाजी सही दिख रही है। फिर भी जब आप कंपैरिजन करते हैं ना टॉप टीम्स के साथ, तो वहाँ पर क्वालिटी
क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं ना कहीं दिखती है। वही एक कंसर्निंग चीज़ है कि जिस दिन ये थोड़ा टोटल कम रह गया या इनके गेंदबाजों ने बहुत ज़्यादा बनवा दिया तो वो एक केस हो सकता है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी में वो दम है कि गेंदबाजी में जो कमी है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। बैलेंस शायद बहुत अच्छा ना दिखे इस टीम का, लेकिन इस टीम में दम जरूर है। अपने दिन पर ये किसी को भी हराने का मादा रखते हैं। और दूसरी और अच्छी चीज़ इनके साथ जो जाती है कि पहले ट्रॉफी जीत चुके हैं, उसका आइडिया बहुत है, एक्सपीरियंस वो चीज़ कहीं ना कहीं प्ले में ज़रूर आता है। अब बारी है अपनी टीम पिक करने की, आप सब भी ज़रूर पिक करिएगा। मुझे लगता है कि गुजरात की टीम जिस तरह से खेल रही है वो दोबारा से ट्रॉफी जीतने की बड़ी हकदार है, क्योंकि गेंदबाजी ही आपको टूर्नामेंट जिताएगी। और जो कंसिस्टेंट गेंदबाजी से हमने अगेन एंड अगेन देखा है कि जिस टीम के पास बेहतर गेंदबाजी है वो आगे जाती हुई दिख रही है। आप सबकी चॉइस क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो डिस्कशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।